छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद ठंड बढ़ने लगेगी। इस बीच प्रदेश का राजनीतिक पारा अभी से बढ़ने लगा है। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों में से वैशाली नगर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस विधानसभा सीट के लिए दावेदारों ने अपनी जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू भी कर दी है। विगत कई वर्षों से संगठन में रहते हुए विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम के सभी चुनावों में योगदान देते हुए संगठन को मजबूत बनाए रखते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करने वाले जिला कार्यकारिणी सदस्य अवधेश पांडे ने भी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने दावेदारी पेश करते हुए अपना आवेदन भाजपा की चुनाव समिति के समक्ष पेश किया है। उन्होंने अपनी दावेदारी के संबंध में जानकारी इस प्रकार से दी, साथ ही जन्माष्टमी की बधाई शहरवासियों को दी। मैं पहले बोला आपको कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी के सभी क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद तुरंत आने वाले गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम के लिए, माताओं और बहनों के चीज कार्यक्रम के लिए क्षेत्र के सभी महिलाओं बहनों को उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कुछ और बोलता हूं कि उनके आशीर्वाद और सहयोग से मैं यहां तक पहुंचा हूं। और दावेदारी की जहां तक बात है तो मैंने 30 साल से पार्टी के लिए काम किया है, विभिन्न पदों में भी रहा और मेरे सामने जितनी भी समस्याएँ रहीं मैं उन सबको नज़रअंदाज करके पार्टी के लिए एक तरफा काम किया। 2 बार के हमारे स्थानीय विधायक स्वर्गीय विद्यारत्न भूषण जी के लिए काम किया, उनके महापौर रहते काम किया, सरोज बहन के लिए हमने उनके काम किया, उनको जिताया अपने सहयोग सभी सहयोग से। तो ये सब देखते हुए मुझे पूरा उम्मीद है कि पार्टी मेरे इस निष्ठा का कुछ फल देगी। छवि तो मैं अपने मुँह से बोल सकता हूँ कि छवि मेरी ठीक है, छवि मेरी कहीं कलंकित नहीं है और दूषित भी नहीं है। यदि छवि चाहिए, मैं स्वच्छ छवि का व्यक्ति हूँ, जनता के बीच में मेरी पकड़ है, पहुंच है और लोगों से मेरा संपर्क है, लोग मुझे जानते और चाहते भी हैं। मुद्दा मैं मुद्दा बता रहा हूं कि मुद्दा हमारा है विकास का, मुद्दा हमारा है जो उन्होंने छत्तीसगढ़ का विनाश कर दिया है, भिलाई और वैशाली नगर का विनाश कर दिया है, कोल घोटाले में, सट्टेबाजी में या माताओं बहनों की सुरक्षा के बारे में, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। हमें ना भ्रष्टाचार रखना है ना भ्रष्टाचारियों को रखना है, ये हमारा एक नारा है। इस देश भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों को नहीं रखना है, ना इस देश में, ना इस प्रदेश में, ना इस नगर में, ना इस वार्ड में, ये हमारा प्रबल नारा है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इसीलिए है कि हम जैसे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे जो दोस्त यार हैं, ये सब मिलके इसको गढ़ बनाए हैं। गढ़ कोई नहीं होता, गढ़ बनाया जाता है। इस गढ़ को बनाने में हम लोगों ने पिछले 30-35 साल से हमारे माँ पिताजी लोगों ने सहयोग दिया, तभी गढ़ बना और उस गढ़ को हमने सिर्फ सिंचाई करके ऊंचा किया है और आने वाले समय में उसका लाभ हमें मिला है और मिलते रहेगा।